आपकी गाड़ी पे भी स्क्रैच वगैरह लगते रहते होंगे या लगे हुए होंगे, तो किन स्क्रैचेस को एक स्क्रैच रिमूवर पॉलिश से मिटाया जा सकता है और किन को नहीं मिटाया जा सकता है, इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे। वैसे भी एक हमारा एक्सपीरियंस वीडियो है, हमारी गाड़ी के ऊपर ये कोई स्क्रैच मार के चला गया है और उस गाड़ी का, आई थिंक ये टाटा एस जैसी कोई गाड़ी है, ये पेंट इसके ऊपर चिपका रह गया है जिसकी वजह से ये निशान उसके ऊपर इतना लंबा पड़ गया है। तो अब हम इस निशान को यहाँ से हटाएंगे एक स्क्रैच रिमूवर पॉलिश से, तो आप भी देख पाएंगे कि ये ठीक से काम करता है कि नहीं करता है और कैसे। अगर देखिए पेंट निकल गया है गाड़ी का जो ओरिजिनल पेंट है, तो फिर कोई पॉलिश उसके ऊपर काम नहीं करेगी, फिर आपको पेंट ही करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर पेंट नहीं निकला है तो वहाँ तक ऐसे सारे स्क्रैचेस जो हैं वो एक स्क्रैच रिमूवर जो होते हैं, रबिंग कंपाउंड जो होते हैं, वो साफ कर सकते हैं। तो आइए उनको यूज़ करके दिखाते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ये सीबा का स्क्रैच रिमूवर है, रबिंग कंपाउंड है, लिक्विड पॉलिश है, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, एक एक्सपीरियंस वीडियो आप इसको कह सकते हो, क्योंकि ये हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसको अभी आपके सामने इस वीडियो के अंदर यूज़ करके दिखा रहे हैं। तो आप भी देख पाओगे कि ये कितना काम का है और कितना काम का नहीं है। इसकी एक और वीडियो हमने जो पहले वैसे बना रखी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी देख सकते हैं, काफ़ी पहले की बनी हुई है कि इसको कैसे हर तरह से यूज़ करना है। आइए फिलहाल इसको यूज़ करके देखते हैं। 200 ml की ये बोतल आती है और ये लिक्विड पॉलिश है। एक इसके अंदर दूसरे रबिंग पॉलिश जो आप देखते होंगे 3M की आती है, वैक्स पोल की आती है, बहुत सारी कंपनियों की आती है, वो हार्ड पॉलिश होती है, मतलब सूखी होती है, तो उसको आप जो यूज़ कर सकते हो वो कर सकते हो एक रबिंग मशीन जो आती है उससे, वो वहाँ पे बहुत अच्छे से यूज़ होती है और अच्छा ही काम करती है। लेकिन अगर आप घर पे खुद से यूज़ कर रहे हो तो आपके पास लिक्विड अगर पॉलिश होगी तो वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हार्ड पॉलिश के अंदर बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है और यहाँ लिक्विड होने की वजह से इतना ज़ोर नहीं लगाना पड़ता। ऐसे लिक्विड पॉलिश ही इसके अंदर निकलेगी। ये 200 ml की पॉलिश है और आपको ऐसे जो पूरा आपका जो स्क्रैच लगा हुआ है गाड़ी के ऊपर, उसके ऊपर पहले इसको अच्छे से लगा देना है, पॉलिश की तरह ही, नॉर्मल पॉलिश की तरह ही है, तो उसके ऊपर ऐसे आप उंगली से लगा सकते हैं। और जो ये पॉलिश अभी आपको दिखा रहे हैं, इसके साथ में एक वो फोम टाइप सी की आती है, उसका यूज़ कर सकते हो। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप सूती कपड़े का यूज़ कर सकते हो, सूती कपड़े से बहुत बढ़िया गाड़ी पे अगर पॉलिश मारनी है तो भी, और ऐसे स्क्रैच रिमूवर वगैरह यूज़ करने हैं तो भी। और इसमें थोड़ा सा जोर लगा के इसको आपको यूज़ करना पड़ेगा, मतलब जोर से दबाना पड़ता है, देखने में तो ऐसा लग रहा होगा जैसे नॉर्मली हो रहा है ये, लेकिन ये बहुत जोर लगा हुआ है, तो जोर लगा के आप जब इसको रगड़ोगे तो बाकी काम इसका पॉलिश कर देगी। और अगर गाड़ी के पेंट के ऊपर कोई भी निशान है तो वो उसको ऐसे क्लीन कर देगी, देखिए जैसे निशान था ही नहीं। इसके अलावा जो निशान इसमें पेंट के अंदर लगे हुए हैं, जिनसे हल्का हल्का पेंट गया हुआ है, उनको भी अभी देखते हैं ट्राई करके कि उन पर कितना असर होगा। पहले इस वाले निशान को हटाते हैं पूरा का पूरा, तो आइए पूरे पे पॉलिश लगा लेते हैं एक बार। और सिंपल वही तरीका है, जो जो जहाँ जहाँ स्क्रैचेज हैं वहाँ पे इसको अच्छे से पॉलिश को ऐसे पहले थोड़ा सा रब कर लीजिए, और उसके बाद अपना सूती कपड़ा लो या जो वो फोम है जो पॉलिश के साथ आती है वो लो, और थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा बस, उसको रगड़ दो अच्छे से। और इसके बाद देखते हैं ये साफ़ होने के बाद कि जो पेंट अगर निकल गया तो वहाँ पर कितना काम आएगा, वो भी देखना पड़ेगा। अगर पेंट बिल्कुल पूरा निकल गया है वहाँ पे, मतलब एक गड्ढा बन गया है, या नीचे का जो मटेरियल है वो बम्पर है या तो वो बॉडी है, मतलब लोहा है, फाइबर है, जो भी है, अगर वो दिख रहा है तो फिर पॉलिश काम नहीं करेगी, फिर आपको पेंट ही करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे ऊपर पेंट है या हल्का फुल्का पेंट गया है तो उस पर ट्राई ज़रूर करेंगे। और इसको तो आप देख ही रहे हैं साफ बिल्कुल कर रही है और बिल्कुल लिक्विड होती है ये, आप घर पर इसको बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हो। अगर ज़्यादा स्क्रैच नहीं है तो हम 5-7 मिनट के अंदर इसको छोटे मोटे तो स्क्रैच काफ़ी निकाल देते हैं। और इसके बाद आप एक जो नॉर्मल कार पॉलिश आती है उसको यूज़ कर लीजिए, शाइनिंग आ जाएगी उसके ऊपर अच्छे से, बस पॉलिश लगाया उसको अच्छे से रगड़ दिया और धीरे धीरे वो साफ़ होने लग जाएगी। अगर गाड़ी के पेंट के ऊपर किसी दूसरी गाड़ी का पेंट लग गया है या कोई और तरह का कोई स्क्रैच है तो वो तो इसमें बहुत जल्दी निकल जाता है, ये देखिए ये तो एक ही बार में निकल जाएगा, बस थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, इसके लिए तो आपको कई बार भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए पीछे वाला जो निशान इतना लंबा था वो बिल्कुल साफ़ हो गया है, और ये आगे हैंडल के पास जो है ये भी इसका साफ़ हो ही रहा है बिल्कुल, और लगभग हो ही गया है। और जो छोटे स्क्रैचेज आते हैं जैसे जहाँ से हम गेट खोलते हैं वहाँ पर भी नाखूनों के स्क्रैच आ जाते हैं कई बार, उनको भी आसानी से ये साफ़ कर देती है, क्योंकि नॉर्मली होते हैं वो भी, पेंट नहीं निकला होता है उसमें। तो ऐसे ही बिल्कुल जहाँ जहाँ आपको यूज़ हो, मतलब पूरी बॉडी के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पेंट हुआ है पेंट के ऊपर ही बेसिकली ये यूज़ होगी। और इसके बाद आप इसके ऊपर अगर और ज़्यादा शाइनिंग चाहिए हो तो एक कार पॉलिश का यूज़ कर लीजिए, जो बॉडी पॉलिश आती हैं। अब ये ऊपर देखिए पेंट निकला हुआ है, यहाँ पे हल्के हल्के निशान आपको दिखाई रहे ना, जैसे कोई चाबी वगैरह से या किसी नुकीली चीज़ से कोई खरोंच मार देता है, ये ऊपर वाले जो निशान है उस तरह के हैं,
उन पे यूज़ करके देखते हैं एक बार पॉलिश की यहाँ पे काम ठीक से कर रही है कि नहीं कर रही है। ये वाले जो निशान है ये यहाँ हल्का सा पेंट गया हुआ है, हालांकि ज़्यादा नहीं है, बहुत हल्का सा पेंट गया हुआ है ये, और बस हटाना है उसको भी। और सेम प्रोसेस है, कोई भी हो कहीं पर भी हो, अगर ज़्यादा पेंट नहीं निकला हुआ है तो ये काम करेगी। इनके ऊपर देख लेते हैं अभी कि कितना असर होगा। तो पहले उसी तरीके से पॉलिश को आपको ऐसे हल्का सा रब करना है और उसके बाद उसको फिर रगड़ना शुरू कर देना है। एक मिनट आधा मिनट अगर आप उसको ठीक से दे दोगे वहाँ पे पॉलिश लगा के, तो उसके ऊपर आपको एक बिल्कुल इफेक्ट नज़र आएगा कि हाँ कुछ काम ये यहाँ पे कर रही है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है इससे। लेकिन हमने यहाँ पे देखिए, अब ये वाली पॉलिश से आप देखेंगे स्क्रैच हल्का हो गया है लेकिन साफ़ नहीं हुआ है। तो आप इसको अगर एक बार में कोई स्क्रैच साफ ना हो इस तरह का, तो आप उसको 2 से 3 बार यूज़ कर लीजिए, दो दो मिनट रुक के, और ये पटाख से साफ़ हो जाएगा। मतलब 4-5 मिनट के अंदर आप इसको हटा दोगे। बाकी आपको जो भी छोटे छोटे हल्के फुल्के स्क्रैच मिले उनको तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं जितने हमने अभी स्क्रैच आपको दिखाए थे वो सब इसने साफ़ कर दिए हैं, काम ठीक से कर रही है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। आई थिंक 132-133 रुपये इसकी MRP है, तो इतना या प्लस आपको कोई कोरियर चार्जेज लग के ये मिल जाएगी। अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, हम लिंक दे देंगे आपको और हमारा लिंक भी दे देंगे अगर आप वहाँ से इसको परचेज करना चाहो तो। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।